तीसरी स्टेज का कैंसर हो गया सी। एक औरत नूं नाम रणजीत कौर अहमदाबाद दे विच रहिंदे सी। 6 इंच दा ट्यूमर सी। वाहिगुरु दा नाम लिया, गुरबाणी पढ़ी, पाठ कीता ते बीमारी जिहड़ी झटपट किथे गई पता भी नहीं लगा। मतलब मेरे नाल है ना, यह चमत्कार स्टार्टिंग तो ही चलते पे से। जिदा 4 कीमो तो बाद हाफ रह गया। डॉक्टर्स ने बोलिया कि यह बहुत वड्डी चीज़ है, नहीं तो लोगों दे गिल्टी मेल्ट भी नहीं होंगी। मानते हो कि रब तो वड्डी कोई चीज़ नहीं, गुरबाणी दे विच बहुत वड्डा असर है। बिल्कुल मननी है इस गल नूं, और उन्हां दा ही आसरा सी कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस वेले जिहड़ा इंसान हुंदा अपनी जिंदगी नूं कितना कितना तौबा कर जांदा कि मैं लगदा हुण खतम आ, कुछ इस तरह दा सी। सब तो ज्यादा हिम्मत में रेडिएशन विच आ रही, क्योंकि रेडिएशन विच पूरी स्किन मेरी छिल गई सी। तो तुहानूं दस दिए कि रणजीत कौर जी म्यूजिक टीचर भी ने, सिखाउंदे भी ने। 12 सालों का मैं यही काम करती पई सी। उत्थे सारे गुरुद्वारे विच मेरी सेवा लगी हुई सी, कीर्तन सिखांदी। इत्थे आउण दा कितां सोचा जलंधर दे विच? पेशेंस तो रखना ही पैंदा हर चीज़ विच, कोई बिजनेस होवे या कोई बीमारी होवे। दुनिया के असी चमत्कार होंदे बहुत वेखे ने। एक होर चमत्कार तुहानूं दिखाउण लगे हाँ। तीसरी स्टेज का कैंसर हो गया सी। एक औरत नूं नाम रणजीत कौर अहमदाबाद दे विच रहिंदे सीगे। वाहिगुरु का नाम लिया, गुरबाणी पढ़ी, पाठ कीता ते बीमारी जिहड़ी झटपट कित्थे गई पता भी नहीं लगा। तो अज अपना खालसा रिफ्रैशमेंट ते एक दुकान चला रहे ने अहमदाबाद तो जलंधर इत्थे पहुँचे ने। गलबात करदे हाँ। सब तो पहला जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सब तो पहला तो यही जानना चाहवांगे कि कैंसर हो गया सी तुहानूं तीसरी स्टेज तक सीगे, पता किस तरह लगा सी भी तुहानूं कैंसर आ? मैनूं बांह दे नीचे अपने एक ट्यूमर फील होया, तो मैं घर वालियां नूं दस्या अपने कि इदां इदां हैगा। तो सब ने बोलिया कि टेस्ट कराओ तुसीं, पता चले कि हैगा। तो इस तरीके नाल असीं डॉक्टर कोल गए, दिखाया। उन्होंने बोलिया सोनोग्राफी कराओ। सोनोग्राफी हुई, मैमोग्राफी हुई, उहदे तो पता चलिया कि मैनू 3rd स्टेज का कैंसर है। बस एकदम बहुत रोई मैं पहला तो, कि अचानक एकदम कैंसर देख सुन के बंदा डर जाता है ना। तो डर गई सी, रोई सी बहुत। बाबा जी दे रूम च गई, बाबा जी का प्रकाश होया सी, जाके थोड़ी देर रोई, फिर अपने मन नूं तसल्ली दित्ती कि जो होना सी वो तो हो ही गया, हुण रोने नाल तो कुछ होएगा नहीं। इहदे नालों तो हिम्मत रख के फिर मैं जिन्हां कोलों कीर्तन सीखनी मैं उन्होंने कॉल किया। मैं कहा वीर जी इदा इदा मेरे नाल होया। बोले भैन जी घबराना नहीं है, तुसी तुहाडे वास्ते बेस्ट तो बेस्ट डॉक्टर देखांगे, कोशिश करांगे कि तुसी बिल्कुल ठीक हो जाओ जी। तो उन्होंने संगत ने मिल के मेरे वास्ते डॉक्टर भावेश पारिक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट थे अहमदाबाद के, नंबर 1 डॉक्टर है, मेरे वास्ते चूज़ करके दिता मैनू कि इत्थे जाओ तुसी। उत्थे गई मैं, फिर सारे टेस्ट होए फिर तो मेरे दोबारा। सारे टेस्ट होने तो बाद उन्होंने मैनू यही बोलिया कि तुहानू कुछ भी नहीं होएगा, 5-6-8 महीने की तकलीफ तुहानू रहेगी, उस तो बाद तुसी बिल्कुल ठीक हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। फिर असी स्टार्ट किया अपना ट्रीटमेंट। उत्थे मेरे 8 कीमो होए। मतलब मेरे नाल है ना, यह चमत्कार स्टार्टिंग तो ही चलते पे सी। जिदा 6 इंच का ट्यूमर सी, 4 कीमो तो बाद हाफ रह गया। डॉक्टर्स ने बोलिया कि यह बहुत वड्डी चीज़ है, नहीं तो लोगों के गिल्टी मेल्ट भी नहीं होंगी। हाँ, फिर बाकी के 4 कीमो बचे ना, वो 4 कीमो होए दोबारा फिर तो बिल्कुल नील। तो जिस दिन मेरा ऑपरेशन सी उस दिन डॉक्टर ने ना मैमोग्राफी की फिर तो, कि देख लिए कि भाई कितना रह गया, की है कितना अपना ट्यूमर रह गया, उस हिसाब नाल असी ऑपरेशन करांगे। मैनू एडमिट किया, अगले दिन मेरा मैमोग्राफी हुई तो पता चलिया कि वो बिल्कुल नील है ही नहीं।
तो डॉक्टर्स लोग आपस से अपनी लैंग्वेज की गल कर रहे सी, बोले कि यह बहुत वड्डी चीज़ है, बहुत रेयर केस भी होंदा है, तो असी ऑपरेशन किस चीज़ का करिए। तो फिर डॉक्टर्स ने बोलिया कि जो इन्हों की हर वारी मैमोग्राफी करते सी ओ सोनोग्राफी ओ डॉक्टर नू नाल रखांगे, असी ऑन टेबल उन्होंने नाल रखांगे, उ दसंगे कि भाई इन्हों का किस जगह पर सी की सी, असी देखिया ही नहीं है क्योंकि सोनोग्राफी के डॉक्टर अलग होंगे ने और कीमो दे अलग सी और जिन्होंने ऑपरेशन करना सी वो अलग सी। तो उन्होंने बोलिया कि असं सारे डॉक्टर्स नाल इकट्ठे रहेंगे ताकि पता चल सके, बट फिर भी है ना कहते हैं कि कैंसर से सैल्स जिस जगह पर आते ना वो जगह ब्लैक रहती है, तो वो शेडो नाल उन्होंने अंदाजे नाल देखा कि भाई इस जगह पर सीगा, बाकी दिखाई नहीं देता पाया कि उस जगह पर मतलब कैंसर के सैल्स नहीं सी उस टाइम पर, तो वो मतलब बिल्कुल मेल्ट हो चुके से ट्यूमर। थोड़ा रुकना चाहूँगा, जो तुम लगा कि इस साइड तो जी स्किन थोड़ी हार्ड जी हैगी कुछ लग रहा, उस तो पहलों कोई तकलीफ शरीर दे विच कुछ पेन होंदी होवे जा कुछ भी इदा दा कोई मूवमेंट सी? कुछ भी नहीं सी, मैं नॉर्मल जिद्दां लाइफ जींदी पई सी उदां ही सी, कुछ भी नहीं, बल्कि बाद च भी कुछ नहीं होया जिद्दां कीमो चले कोई तकलीफ नहीं, कोई चलन फिरन दे विच कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी फील नहीं होंदा सी, अगर इदां होंदा तो मैं पहले ही टेस्ट करांदी, कुछ भी नहीं होया सी मैनूं, तो गुरु कृपा तो शुरू तो ही मेरे नाल सी। मानते हो कि रब तो वड्डी कोई चीज़ नहीं, गुरबाणी दे विच बहुत वड्डा असर है? बिल्कुल मन्नी है इस गल नूं और उन्हां दा ही आसरा सी कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्हां दा ही आसरा है कि मैं खा पी सकी आराम नाल, मेरी फैमिली पूरी जो हम सारे सैपरेट रहिंदे सी असी सारे नाल हो गए, ये सारे चमत्कार ही ने, इदां कोई अलग रह के कोई नहीं कि बोलदा कि असी नाल हो जावांगे, नाल हो गई पूरी। इंसान नूं पता लगदा है कि पहली तो गल भी कैंसर जिहड़ा नाम है, खासकर पिंडा की गल करिए पिंडा दे विच वी इहनूं दूजी बीमारी कह के बुलाया जाता है कि दूजी बीमारी है, कैंसर नूं बहुत माड़ा समझा जाता है कि माड़ा, चलो बीमारी तो कोई भी माड़ी हुंदी है बट नाम लैण तों भी लोग डरते हैं, पहली स्टेज होवे लोग घबरा जाते हैं, तुहानूं पूरी सीधी तीसरी स्टेज सीगी, सीधी तीजी स्टेज आ, उस वेले परिवार दे विच की माहौल सीगा, क्योंकि एक तो यह हुंदा कि जिहड़ा इंसान हुंदा अपनी जिंदगी नूं कितना कितना तौबा कर जांदा कि मैं लगता हूँ खत्म आ, कुछ इस तरह का सी? हाँ जी बिल्कुल, एक बार तो मैं तुहानूं दस्सिया ना मैं रोई सी, हिम्मत हार गई सी, बट फिर एक तसली जी कि जो बाणी पढ़ने बाबा जी का प्रकाश घर में होया हो सवेरे तो शाम तक असं उन्होंने ही मनने उन्होंने सब सौंपया ही होया समझो, तो फिर मैनू इदा लग्या वीर जी ने फिर समझाया थोड़ा जा कि तुसी घबराना नहीं है बिल्कुल, फिर जो कीर्तन करने वाले नाल साथी ने सब ने कि तुसी घबराना नहीं है बिल्कुल ठीक हो जाओगे, वही सब और परिवार का सपोर्ट वही सब चीज़ा बहुत कम आई, सब ने सपोर्ट दिता, मतलब मन एक फिर हिम्मत भी आ जाता है ना कि हाँ सारे मेरे नाल ने, कुछ होएगा तो देखी जाएगी, कोई होएगा तो देखी जाएगी, बाकी पहला तो हिम्मत हार के की होएगा, बस फिर धीरे धीरे हिम्मत आई, अपना कीमो स्टार्ट होए वो सब होया, फिर ऑपरेशन भी हो गया, ऑपरेशन होने तो बाद रेडिएशन होए, सब तो ज़्यादा हिम्मत में रेडिएशन भी आ रही क्योंकि रेडिएशन भी पूरी स्किन मेरी छिल गई सी, मतलब इतना जलन पूरी स्किन जल जाती है, फोले नहीं पै जाते छाले पै जाते हैं, वो छाले इतने व्डे व्डे छाले और सारे फुट गए, तो स्किन पूरी फट गई, वो मतलब इतने पानी पानी निकलना, फिर वो उत्ते हाथ नहीं लगाना ना, वो सब तो ज़्यादा माड़ा टाइम से मेरा, बट वो भी गुरु साहब की कृपा नाल अच्छा निकल गया। तो ठीक होने तो बाद फिर सोचा क्यों कि इतने जलंधर आया जाए, उत्थे रहने का क्यों नहीं सोचा कि हुण इत्थों कोई काम कंटिन्यू किया जाए? इत्थे तुहानूं दस दिए कि रणजीत कौर जी म्यूजिक टीचर भी ने, सिखाउंदे भी ने, तो यह काम मैं लगता तुसीं दुबारा स्टार्ट करना चाहुंदे, उस बाबत भी गलबात करांगे, पर हुण आपां उह गल करदे कि इत्थे आउण दा किद्दां सोचा जलंधर दे विच। मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से मेरे भरावां नूं बोल रही सी, मेरे रियल ब्रदर इत्थे ने मुजफ्फरनगर, मैं उन्होंने काफ़ी टाइम तो बोल रही थी कि मैं उत्थे दा क्लाइमेट शायद सूट नहीं होंदा, क्योंकि ब्याह तो बाद दो तीन बार मेरे बच्चे तो भी केस बिगड़े ने, मेरे दो मुंडे हुए सी जो एक्सपायर हो गए और ये अलावा भी एक दो बारी मिसकैरेज हुए मेरे, तो मैं पहला तो ही बोलती सी कि मैं शायद इत्थे दा क्लाइमेट सूट नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है ही है, पर मेरी कोई गल समझदा नहीं सी कि नहीं तैनू इदा ही लगता होगा, मतलब तू इदा ही सोचनी है, तेरी सोच करके इदा है, बट फिर जब उन्हें कैंसर आया तो फिर मैं बोलिया फिर तो मैं क्या हूँ तो तुसी थोड़ा जा मेरे बारे सोचो कि मैं कैंसर आया या नहीं, मैंने इतने का शायद क्लाइमेट सूट नहीं होता पे, तो तुसी चेंज कराओ ये जगह मैंने, तो मैं मेरे भरावां नूं बोलिया सी, तो असी मुजफ्फरनगर जाने का सोचते पे सी, पर मेरी बुआ दे बेटे ने बोलिया कि तुसी वो छोटी सी सिटी उत्थे ना जाके तुसी जलंधर आ जाओ,
जलंधर ज़्यादा अच्छा है और असी तुहानू मिल के सपोर्ट करांगे सब, तो काम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर मैं इतने आने तो बाद पहले थोड़े टाइम मेरे भरा को जॉब की थी, बट फिर मैं सोचा कि कुछ अपना किया जाए। मैं म्यूजिक टीचर वास्ते भी स्कूल से रिज्यूमे दे के आई सी, बट एकदम नहीं मिलिया क्योंकि आंदे सार एक बार तो एक स्कूल भी नहीं मिलता, क्योंकि पहला तो ही टीचर्स अपॉइंट होंगे ने, तो बोले कि तुसी वेट करो, अगर कोई वैकेंसी रही तो तुहानू बुलावांगे। बट असी वेट भी फिर की करनी सी क्योंकि रोज़गार लई कुछ तो चाहिए सी। तो फिर मेरे भरा वड्डे वीर मैनू बोले सारे, बोले कि तुसी एक काम करो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, उहदे विच तुहाडी हैल्प करांगे असी। फिर मेरे तीनों वीरां ने मैनू मिल के बिजनेस स्टार्ट करा के दिता, और अपनी पहचान नाल ही उन्होंने खालसा एसेसरीज करके उन्हों की अपनी है शॉप, उन्होंने बोलिया नाम भी तेरा अपना शॉप का असी देवे खालसा रिफ्रेशमेंट करके तुसी स्टार्ट करो, नाम भी उन्होंने ही अपना सिलेक्ट करके दिता मैं, मतलब उन्हों की पूरी हैल्प रही और उस तरीके नाल मेरा काम स्टार्ट होया जी। मतलब इतों हमने कि समा हो चला जो खालसा रिफ्रेशमेंट इतने ओपन किया? चार महीने कंप्लीट हो गए, फिर पंजवा चलता पे रनिंग है। चलो हूँ मैं लगता बहुत वधिया काम चलता पे आ। तो जो म्यूजिक टीचर वाला हैगा वो तुम घर में भी क्लासा लाइनिया शुरू की लेकिन नहीं अजय? नहीं क्योंकि हूँ उस टाइम वे मैनू मिलिया नहीं कुछ, और अगर हूँ मिलता भी है तो पहला मैं फोकस इधे तो करना चाहवागी क्योंकि मैं स्टार्ट कर चुकी हाँ। बाकी म्यूजिक मैं छड़ना नहीं चाहती क्योंकि 12 सालों तक मैं यही काम करती पी सी, उत्थे सारे गुरुद्वारे मेरी सेवा लगी हुई सी कीर्तन सिखाने की, और स्कूल से मेरी जॉब सी, तो दोनों चीज़ा मेरी नाल चलदियाँ पियाँ सी। तो मैं छड़ना नहीं चाहती क्योंकि म्यूजिक विच मैनू इंटरेस्ट बहुत है, मैनू वो काम शुरू तो किया, कंटिन्यू करना चाहती हाँ पर थोड़ा टाइम बाद जी। बहुत वधिया लगा जी थोड़े नाल गलबात करके, तुसी कीमती समा दिता अपना। सो उन्हां लोकां लई कोई सुनेहा जिहड़े जिंदगी दे विच बहुत जल्द हार मन जांदे ने, तुसी एड्डी वड्डी तुहाडे ते समस्या आ गई, एड्डा वड्डा कह सकदे कि एड्डी वड्डी बीमारी जिहड़ी सी कैंसर दी, वो बीमारी ने तुहानू घेर लिया पर तुसीं हौसला नहीं छड्डिया, पर इत्थे लोग छोटी छोटी गल तो हौसला छड्ड जांदे ने, उहनां वास्ते कुछ कहना चाहोगे? हौसला छड्डने की गल तो तुसीं मैनू बोलोगे कि अजे अज जिद्दां असीं चाह बनांदे पिया ना, तो चाह है सैंडविच दाबेली सब चीज़ां जिद्दां मैं बनांदी पिया, तो यह चीज़ां विच तुसीं नहीं मनोगे मेरा इतना घट रेट रखा है, इतना प्रॉफिट घट है इहदे विच, लेकिन क्यों चलांदी पिया क्योंकि इन्हां चीज़ां विच पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी होंदा है, कि लोग की करते हैं बिल्कुल पानी वर्गी चाह बना के बेचते हैं ना, लेकिन असी पेशेंस इस करके रखे है कि लंबा टाइम सोचो ना, अगे तक सोच के चलोगे, पेशेंस रखोगे तो शायद थोड़ी चीज़ा भी अच्छी जान गया, और फ्रेश चीज़ तुसी खिलाओगे तो थोड़ा समान अच्छा ज़्यादा, मतलब लॉन्ग टाइम तक सोचने वास्ते एक पेशेंस की लोड़ होती है। मैं एग्जैक्टली तो मैं आखना चाहनी हाँ कि पेशेंस तो रखना ही पैंदा हर चीज़ विच, कोई बिजनेस होवे या कोई बीमारी होवे कुछ भी होवे, पेशेंस रखे बिना काम नहीं चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी गलबात करने लिए। सो ये सन रणजीत कौर जी, कैंसर की तीसरी स्टेज तो जरा उसते जित प्राप्त करके वापस अपना काम काज जरा शुरू किया आ। सो इस तरह कहानियां होर भी लैके हाजिर होंगे रहेंगे, देखते रहो पंजाबी नैशनल टीवी। उम्मीद थोड़ी कोशिश साड़ी, सत श्री अकाल।